सेठ जी करते क्या है, क्या करते क्या है सेठ जी? बस बैठ के खाली पैसे कमाते हैं, मेहनत तो हम करते हैं हम। क्या रमेश ने अपने सेठ के बारे में ऐसा कहा? हाँ नटू काका, और मैंने तो रमेश को कह दिया, ये रमेशिया तुझे पता क्या है बिजनेस चालू करने के लिए सेठ लोगों को कितने सारे पैसे ब्याज पे उठाने पड़ते हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद भी बिजनेस चलेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, फायदा हो या नुकसान। स्टाफ को तो हर महीने टाइम पे पगार देना ही पड़ता है, ऊपर से बिजनेस चलाने का खर्चा वो तो है ही, और अगर किसी पार्टी ने पेमेंट अटका दिया तो वो नुकसान अलग, राइट? अरे हमारे सिर पे जितने बाल है उससे ज्यादा सेठ लोगों के सिर पे टेंशन होता है। वाह बागा, वाह। शाबाश बागा, शाबाश। एक स्टाफ होके सेठ लोगों की व्यथा क्या व्यक्त की है तूने? मैं तो कहता हूँ तू सेठ लोगों पे किताब लिख, और उसमें सबसे पहला वाक्य ये लिखना कि अगर सेठ बन के पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज दुनिया में कोई नौकरी करता ही नहीं, हर कोई सेठ बना फिरता। बराबर है सेठ जी। वाह वाह बागा, मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त बात कही तूने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। बोल बोल बागा, बोल क्या चाहिए तुझे? अरे नहीं नहीं सेठ जी। अरे अरे बागा, सेठ जी खुश होकर तुझसे कह रहे हैं तो मांग ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मांग ले। तो? बोल बोल, अरे मांग, क्या चाहिए तुझे है? चाय कॉफी जूस सैंडविच गुजराती थाली? नहीं नहीं थैंक यू सेठ जी, आपके दिल में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, बस यही मेरे लिए काफी है। ओहो हो, कितना अच्छा है नटू काका। एक काम कीजिए, बागा को बाद में फालूदा पिला देना, और आप भी एक पी लेना। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? काम पे लगा। जी जी आइए। मैं बस दुकान में हूँ। बोल कैसे फोन किया? क्यों ऐसे फोन नहीं कर सकती, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। हैं? अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिलाया, बाकी मैं तो भूल गया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक धर्मपत्नी भी है। वैसे टप्पू के पापा, मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि पति पत्नी को सिर्फ काम की बातें दिन भर नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार हंसी मजाक और प्यार की बातें भी करनी चाहिए, उससे क्या है कि उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। हाँ बराबर बराबर, चल अभी बाकी की मजाक और बाकी की प्यार भरी बातें घर आकर, अभी मुझे जरा काम करने दे, कुछ काम है तो बोल। टप्पू के पापा, सुबह आप नाश्ता किए बगैर चले गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आज दोपहर को आपका मन पसंद खाना बनाऊं, तो बोलिए आप क्या खाना पसंद करोगे? रहने देना, जब भी तू मुझे पूछती है क्या खाना पसंद करेंगे, तब मैं तुझे जो बोलता हूँ वो तू बनाती है नहीं, तूने जो पहले से नक्की किया होता है वही तू बना के खिला देती है। नहीं 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 टप्पू के पापा, सच्ची आज आप जो कहेंगे ना वही खाना बनाऊंगी। सच? हाँ मेरे महाराज, आप हुकुम तो कीजिए, बोलिए। तो ठीक है, एक काम कर, तू आज भरे हुए बैंगन और मिर्ची की सब्जी बना। ठीक है। नहीं लेकिन बैंगन और मिर्ची तो घर में नहीं है। क्यों कहाँ गए? छोड़, घर में चने हैं कि वो भी बाहर गए? नहीं 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 चने हैं, घर में ही है। हाँ तो बस, तो फिर चने की सब्जी बना। ठीक है। नहीं नहीं टप्पू के पापा सॉरी, पर चने बापूजी को माफक नहीं आएंगे। ओहो तो हाँ, मेथी पनीर बना। मेथी पनीर? हाँ। पनीर की सब्जी तो परसों ही बनाई थी टप्पू के पापा। दया तो फिर से मेरा दिमाग के साथ पहले की तरह खेल तो नहीं खेल रही है ना? अरे नहीं 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 नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप जो कहेंगे ना वही बनेगा, बोलिए। अरे क्या जो बोलोगे वही बनाऊंगी, कब से बोल तो रहा हूँ सब तूने मना कर दिया। नहीं नहीं सच्ची, आज आप जो कहेंगे ना वही बनाऊंगी, बोलिए ना। तो ठीक है, अभी मुझे और कुछ नहीं सुनना है,
तू उंधिया पूरी बना, बस खत्म, बात खत्म, बस कुछ बोलना मत, बनाएगी तू बस। ठीक है, पर सॉरी टप्पू के पापा, बापूजी ने कहा कि आज रोटी और टमाटर की सब्जी बनाना है। दया जब दे है क्या खाना बनाना है तो मुझे फोन करके क्यों परेशान करती है? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। बापूजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लुच्ची देखिए, आज के दिन की तीन मजाक तो हो गई, अब तीन प्यार की बातें उंधियों खाने के बाद करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपके लिए चटकेदार उंधियों पूरी, जीरा भात और डबका वाली कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। लेकिन देख दया, तू मेरी खाने की कमजोरी भली भांति जानती है। देख मेरा मन अभी से उंधिया पूरी खाने के लिए मचल रहा है, प्लीज वक्त पे मुझे उंधिया पूरी भेज देना, ये सब खाना भेज देना, उसमें कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। अरे मेरे उंधिया राजा, आपकी ये पूरी वक्त पर आपको उंधियों पूरी पहुंचा देगी। बस अब एक छोटा सा काम करना, 12 बजे तक बाघा भाई को टिफिन लेने के लिए घर पर भेज देना। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी मुन्ना के साथ उसकी बाइक पे जाऊंगा और फटाफट टिफिन लेके वापस आ जाऊंगा। कौन मुन्ना? कौन? मेरा दोस्त, यहाँ गली के नाके पे ही उसका लस्सी का ठेला है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देख बागा, मैं बैंक में जाने वाला हूँ, तो जब तक मैं बैंक में अपना काम खत्म करके यहाँ दुकान में वापस आऊँ, तब तक टिफिन यहाँ हाजिर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा सेठ जी। शाबाश, फिर मैं, तू और नट्टू काका तीनों मिल के करेंगे उंधिया पार्टी। ये क्या बात है सुनीता, आज टमाटर तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। तो दिखेगा बबीता जी, मस्त पानी से धोया है। और ये करेला? हाँ हाँ इसे भी धोया है। बैंगन? धोया है। फ्लावर? हाँ हाँ धोया है उसे। टिंडी? धोया है। तुम्हारा पति? हाँ हाँ उसे भी धोया है। क्या कोमल भाभी, आप भी मजाक करते रहते हो। अच्छा सुनीता, अब मुझे ये सब्जी, ये सब आधा आधा किलो दे दो। ठीक है भाभी। सुवाच्छदेव भाभी, इतनी सारी सब्जी, मेहमान आने वाले हैं? नहीं नहीं, वो आज मैं टप्पू के पापा के लिए स्पेशल उंधियों बनाने वाली हूँ। ये आप उंधियों में सारी सब्जी डालते हैं? रसन भाभी, उंधियों में है ना वालोल, सूरती पापड़ी, कच्चा केला, टमाटर, फिर रवैया, ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ होती है, और मेथी का मुठिया भी डालते है, मस्त लगता है। और ऊपर से दया भाभी के हाथों का जादू। आज तो जेठा भाई एकदम खुश हो जाएंगे ना। आज जेठा भाई की तरफ से आपके लिए शाम को गिफ्ट पक्का है। पक्का। ये लो दया भाई। लाओ लाओ जल्दी जल्दी लाओ जल्दी लाओ, ये ले लो पैसे। चलो आप लोग बातें कीजिए, मैं तो चलती हूँ, मुझे जल्दी है। मैं चली उंधियों बनाने, मुझे रोकना ना सखी। कोमल भाभी बात एकदम सही है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब दया भाभी ने कुछ खास बनाने की कोशिश की है, तब तब कोई ना कोई हंगामा ना जरूर हुआ है। दया भाभी आप ही याद कीजिए, जब जब आपने जेठा भाई के लिए कुछ स्पेशल बनाया है, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं। इसीलिए इस बार के लिए दिल से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो मैं निकलती हूँ। बाय बाय। देवा, दया भाभी के उंधियों प्रोग्राम में कोई गड़बड़ मत होने देना। नमक डाल देती हूँ, एक मिनट।
करता हूँ। हिला रही हूँ। की क्या खुशबू आ रही है, बात न पूछो माँ। हाँ माँ, मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि काश मैं मोबाइल में फोटो की तरह तुम्हें खुशबू भेजती, मजा आ जाता। वाह। अरे माँ, बहुत सारा उंधियू बनाया है। नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा ने बोला है कि जब भी स्वादिष्ट रसोई बनाओ ना, तब ज्यादा मात्रा में बनाना, तो क्या है कि रात को भी खा सके। नहीं, अब भी तैयार हो जाएगा उंधियू तो। चलो मैं फोन रखती हूँ। वही वही। हेलो। हाँ वीरा, बोल बोल, कैसे है तू? मैं बस मजे में हूँ, बोल। अरे तुम्हें कैसे पता चला मैंने उंधियू बनाया है? अच्छा, माँ ने बताया। वीरा एक मिनट, फोन चलो रखो, एक मिनट। चलो रखो, जरा उंधिया चेक कर लेती हूँ। थोड़ा चेक तो करना पड़ता है ना। ओहो, वीरा मैं क्या कहती हूँ, तू अभी की अभी अहमदाबाद से निकल मुंबई आने के लिए, रात तक तो पहुँच भी जाएगा। साथ में बैठ के उंधिया खाएंगे ना, तो उंधिया का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ, अब तू जब भी मुंबई आएगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए उंधियू बना कर रखूंगी। मैं क्या कहती हूँ, सुनो ना, अभी मुझे पूरी और बाकी की रसोई भी करनी है। 12 बजे तक तो बाबा भाई टिफिन लेने आ भी जाएंगे। हेलो वीरा, मैं है ना बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। बढ़िया खुशबू आ रही है कोमल, लगता है किसी के यहाँ कोई स्पेशल डिश बन रही है। हाँ, खुशबू तो एकदम बढ़िया आ रही है। चलो चलो कोमल। हाँ। जल्दी से कुछ खाने को मुझे दे दो, चल चल के मेरी हालत खराब हो गई और मुझे कस के भूख लगी है। यही मैं सोचू, तुमने अभी तक ये डायलॉग बोला क्यों नहीं? हम लोग बाहर कहीं पर भी जाए, कंपाउंड में आते ही तुम ये डायलॉग बोलते हो। कोमल, अब भूख लगेगी तो यही बोलूंगा ना। हाय हाय। लगता है मिस्टर और मिसेस हाथी कहीं घूमने गए थे। हाँ? नहीं नहीं पपिता जी, हमारे एक रिश्तेदार के घर में पूजा थी, तो वहीं से आ रहे हैं। ओके। और आते आते इतनी ठंडी में भी हंस ने सिर्फ 10 ग्लास जूस पिए। 10 ग्लास? जल्दी थी ना आने की, वरना 20 ग्लास तो पीता ही मैं। खुशबू तो बढ़ती जा रही है, क्या कमाल की खुशबू है। हाँ आदि भाई, वो एक्चुअली दया भाभी आज स्पेशल उंधियू बना रही है, तो खुशबू उसी की है। उंधियू की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, तो उंधियू कितना टेस्टी बना होगा ना। हंस, आज दया भाभी ने जेठा भाई के लिए स्पेशल उंधियू बनाया है। हाँ, एंड थैंक गॉड कि आज उंधियू टाइम पर बन गया है ना। अब बिना गड़बड़ के टाइम पर जेठा भाई को टिफिन मिल जाए ना, तो दया भाभी रिलैक्स हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। वैसे आई एम श्योर आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, ओके, सी यू गाइस लेटर। ओके, बाय बाय बाय। अरे हंस, कहाँ जा रहे हो? जेठा भाई के घर। क्यों? कोमल, क्या है ना, ये उंधियों की खुशबू मेरे दिल में बस गई है, और जब तक मैं उंधियों नहीं खाऊंगा ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, तो मैं जा रहा हूँ। पर हंस, ऐसे सीधे किसी के घर खाने नहीं जाते। किसी के? अरे जेठा भाई और दया भाभी अपने, और अपनों से कैसी शर्म। मैं तो जा रहा हूँ कोमल, बाय। गुलाब नो छोड़। दया भाभी, ये तो हाथी भाई की आवाज है। दया भाभी। कोमल, तुम टेंशन मत लो, दया भाभी नाराज नहीं होंगी। हाँ बराबर कहा हाथी भाई, मैं कभी नाराज नहीं होती। और वैसे भी मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा दया, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, नाराज कभी मत होना, और किसी को नाराज करना भी मत। सही बात है। अरे कोमल भाभी, हाथी भाई, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। नहीं नहीं,
यही ठीक है दया भाभी। भाभी अब हाथी भाई को बोलने दीजिए ना। क्या हुआ हाथी भाई? दया भाभी आपने उंधियो बनाया है ना, पूरे कंपाउंड में नीचे खुशबू फैल गई है, वही खुशबू से तो मैं खिंचा चला आया। ना वो टप्पू के पापा की आज स्पेशल फरमाई सही है उंधियो बनाने की, इसलिए आज उंधियो बनाया है। बहुत अच्छा किया दया भाभी, जल्दी से मुझे उंधियो टेस्ट करा दीजिए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हंस व्हाट इज दिस, तुम सामने से उंधियो मांग रहे हो? कोमल तुम कब से क्या हंस हंस कर रही हो? दया भाभी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं बेझिझक उनसे कुछ भी मांग के खा सकता हूँ, क्यों दया भाभी? हाँ हाँ हाथी भाई आपका पूरा हक है, कोमल भाभी आप हम भाई बहन के बीच में बताइए। हाँ हाथी भाई उंधियो एकदम तैयार है, बस अब थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा गर्म पूरी बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी आप सिर्फ उंधियो देना, मैंने घर में पराठे के लिए आटा गूंद के रखा है। दया भाभी आप पूरी बनाने की टेंशन मत लो, कोमल पराठे बना लेगी, बस अब जल्दी से उंधियो दे दो। ठीक है अभी लाई उंधियो। थैंक यू। क्या कमाल की खुशबू आ रही है ना कोमल, तुम भी दया भाभी की तरह उंधियो बनाना सीख लो ना। तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे दुनिया भर के डिशेस सीख लेने कहोगे। तो सीखने में हर्ज क्या है, सीख लो, लेकिन फिलहाल दया भाभी से कम गुजराती डिशेस बनाना तो सीख लो, जैसे उंधियो, दाल ढोकली, थेपला। गर्मा गर्म उंधियो तैयार है, आप तीनों के लिए उंधियो पैक कर दिया है। हाथी भाई गर्मा गर्म उंधियो तैयार है, आप तीनों के लिए उंधियो पैक कर दिया है। तीनों के लिए? कोमल तुम तो नहीं खाओगी ना? हंस अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो एक आध चम्मच चख लेना। सॉरी दया भाभी हंस ने आपको। अरे कोमल भाभी आप फॉर्मूला ट्रिक क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला ट्रिक? ओह यू मीन फॉर्मेलिटी। हाँ कोमल हाँ, मैं हाँ, क्या कह रहा हूँ, शाम को दया भाभी को टिफिन वापस कर देना, और कहते हैं खाली टिफिन वापस नहीं करते, अच्छा नहीं होता, तो कुछ बढ़िया से डिश बना लेना और इसमें भर देना और मुझे देना, मैं वापस करने आऊंगा। अच्छा तुम टिफिन लौटाने आओगे ना तो खाली टिफिन ही लौटाओगे। सॉरी हंस मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है, फुल चांसेस है, तो तुम ही आना लौटाने। ओके थैंक यू दया भाभी, बाय बाय। अपने अरे नहीं सही में तुम ही लौटाने आना। अरे नहीं ओहो भागो भाई आते ही होंगे, पूरी और बाकी की रोटी फटाफट बना देती हूँ। ना तो गाड़ी घुमा के रख, मैं अभी सेठ जी के घर से टिफिन लेके आता हूँ। गर्मा गर्म उंधियो पूरी जीरा भात और डबका वाली कढ़ी तैयार है, अभी बाघा भाई आएंगे उनको टिफिन दूंगी और टप्पू के पापा आएंगे मस्ती से ये गर्मा गर्म खाने का टेस्टरा करेंगे, मजा आ जाएगा, बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्रिकेट के वर्ल्ड कप के मैचेस और उसमें चौके छक्के न लगे ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, ठीक वैसे गोकुल धाम में अगर किसी चीज में गड़बड़ ना हो तो कैसे संभव है, गड़बड़े होना तो अवश्यम भावी है, यहाँ हंगामे होते ही रहते हैं। अब देखिए ना जिस चीज का मुझे अंदेशा था वही हुआ, होली भाली दया भाभी से गड़बड़ हो ही गई, उंधियों में नमक दो बार गिर गया साहब, डबल नमक, और उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है, खबर ही नहीं है, और अब इस उंधियों को खाने को बेताब है जेठालाल, जब उनके सामने डबल नमक वाला उंधियों आएगा तो क्या होगा, और डॉक्टर हाथी भी उंधियों खाने वाले, यानी ये उंधियों का जो डबल नमक है आपके घरों में डबल ढा के लेके आएगा, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए और हाँ अच्छा भोजन खाते भी रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।